कांडलीना है या मेन रोड हो गेलै धिया पुता है आब गेलै इन्ने से उन्ने आब 10 गो बच्चा खेललै खेललै त आब रोड है इन्ने से उन्ने भगलै या उन्ने से गड़ी अलै उन्ने से कुछ होलै ओहे टेंशन है की चाह छे बन जाय के चाही सब लिए ठीक है बच्चा सके। समस्तीपुर जिले के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत दरवा पंचायत के भगवतीपुर गांव में 54 वर्षों से चारदीवारी न होने के कारण विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को सुरक्षा को लेकर बड़ी समस्या हो रही है। जब स्कूल में छुट्टी होती है तो बच्चे सीधे दौड़ जाते हैं जिससे कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। ग्रामीण ने इस बात से बहुत चिंता व्यक्त की। किस क्लास में पढ़ते हैं? तीसरा। विद्यालय का क्या नाम है? राजकीय प्राथमिक विद्यालय भगवतीपुर। क्या समस्या है विद्यालय में? बंद नहीं रहता है तो खेलते हैं तो फुटबॉल रोड पर चल जाता है तो धक्का रखने का डर रहता है। सड़क बहुत दूर का है इसलिए कर दर्शन सराय या पटोरी सब सड़क पर गाड़ी चलती है पूरा रेस हरदम डर लगता है। कुछ घटना हुआ क्या? ना, डर लगता है। प्राथमिक विद्यालय भगवतीपुर में विशाल कुमार जो कि तीसरी कक्षा के छात्र हैं वह कहते हैं कि जब भी विद्यालय में छुट्टी होती है तो बच्चे हमारे क्लासमेट जो है दौड़ जाते हैं जिसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वे कहते हैं कि बहुत डर लगता है। शिक्षा अधिकार कानून के अंतर्गत बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए, शौचालय, स्वच्छ भोजन। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारदीवारी बहुत अनिवार्य माना जाता है जिससे बच्चे सुरक्षित हो सके। तो विद्यालय में जो है किस तरह की समस्या है बताइए? बाउंड्री नहीं, वैसे सब कुछ ठीक है, बस बाउंड्री नहीं है स्कूल में। क्या? तो तीन चार जगह से बच्चा बाहर निकल सकता है यहाँ पे। अगर वो सब जगह से गिर जाएगा, दीवार बन जाए तो अच्छा हो जाएगा, बाउंड्री बन जाएगा। किसी का खतरा है? गाड़ी है, बिल्कुल चालू रोड है, गाड़ी आता जाता रहता है। ये रोड कहाँ जाती है? ये रोड दरवा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं कि बाउंड्री बन जाए? तो आइए ले चलते हैं आपको समस्तीपुर जिले के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय भगवतीपुर जो कि भगवतीपुर गांव में अवस्थित है। इस विद्यालय में सबसे बड़ी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो समस्या है वो है चारदीवारी। चूँकि चारदीवारी न होने के कारण बच्चों का सुरक्षा का अभाव दिख रहा है। इस संदर्भ में मैंने ग्रामीण और शिक्षक से बातचीत किया, वो लोग भी चाह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो और समाधान के लिए वो लोग विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक हुई थी उसमें भी चर्चा उन्होंने किया था अभिभावक की ओर से। और इस बात को लेकर ग्रामीण काफ़ी चिंतित है क्योंकि उसके बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वो चिंता में रहते हैं कि पता नहीं खुला स्कूल होने के कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस संदर्भ में विद्यालय के शिक्षक भी चिंतित है और वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चारदीवारी बना दी जाए ताकि बच्चों को सुरक्षा मिल सके।